नमस्कार, हिमकॉम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरा देश त्रस्त है। ऐसे में हर नागरिक इस परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे परिस्थिति में प्राकृतिक आपदा होना अपने आप में बहुत बड़ी संकट की बात है। बीते कुछ दिनों पहले पूर्वी भारत पूरी तरह से चक्रवात अम्फान के चपेट में आ चुका था, जिसमें खास करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। वहाँ के कई इलाके काफ़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिसको ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अपील की। इस अपील को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का हवाई दौरा किया। वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि आर्थिक तौर पर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को सहायता दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है कि 2 या 3 जून को गुजरात और महाराष्ट्र पर निसर्ग तूफान का संकट मंडरा रहा है। इस संकट को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम ने तटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। इस चक्रवात के संकट को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम उद्धव ठाकरे और विजय रूपाणी से वहाँ के किए गए इंतजामातों का जायजा लिया। आपको यह बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीआरएफ टीमों को ऐसे इलाकों में तैनात किया गया है जो तटीय इलाके हैं, जहां पर निसर्ग का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने 10 एनडीआरएफ टीम और 5 एसडीआरएफ टीमों को तैनात किया है। निसर्ग के बढ़ते खतरे की संभावनाओं को देखते हुए गुजरात के सीएम ने पहले ही पूरे इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। आईएमडी के उपाध्यक्ष द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि 3 तारीख को शाम या रात तक गुजरात पर निसर्ग का प्रकोप अत्यधिक देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5 जून तक कोई मछुआरे तटीय इलाकों पर नहीं जाएंगे। देश और दुनिया के तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।